नए दीवानों को देखे तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखकर खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। आज का दिन स्टूडेंट्स लोगों के लिए बहुत खास है कई सारे मामलों में। नई इनकी उद्भव हो रही है, नई इनका सृजन हो रहा है, साथ ही साथ कई सारे ऐसे पहलू हैं जिन पे ये अब सोच पाने में सक्षम हो पाएंगे। कई सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिनका इनको बोध होने वाला है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ सृष्टि और अभी मैं मौजूद हूँ अपने नोएडा के एक स्कूल में जहाँ के बच्चे 10वीं की परीक्षा, यानी हमारे आपके शब्दों में कह सकते हैं कि मैट्रिक का आज लास्ट पेपर था और उसको देकर अपने स्कूल को वापस हुए हैं और ये बहुत खुश नजर आ रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि इन सभी से मैं एक एक करके बात करूँ और इनसे जानने की कोशिश करूँ कि कैसा रहा इनका पूरा एग्जामिनेशन पीरियड, किस तरीके से ये फील कर पा रहे हैं और आगे की इनकी क्या रणनीतियाँ हैं। सो गाइज, हाउ आर यू फीलिंग? कैसा रहा एग्जामिनेशन? बहुत अच्छे रहे आपके? आज लास्ट पेपर था? यस मैम। कौन सा पेपर था आप लोगों का? आईटी। ओके, व्हाट्स योर नेम? विकास कुमार। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ विकास, कि 10th के बाद आपने बहुत सारी प्लानिंग्स की होंगी, अभी किस बात की खुशी है? अंदर से एक्साइटमेंट है, खुश हो, या फिर अंदर से कुछ एक दुख हो रहा होगा ना कि एक जो दोस्ती होती है यही आने के बाद इतिहास में कन्वर्ट हो जाता है? हमारा सबसे बढ़िया क्लास रहा है, सारी मेमोरीज हमने यहीं पे बनाई है, तो उसका तो थोड़ा दुख है ही, बट आगे वो और करना पड़ेगा। 11th 12th में तो स्ट्रीम चूज करनी पड़ेगी। बिल्कुल ये सच है, जिंदगी में जब हम सोपान पे चढ़ते जाते हैं तो कई सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ जो हमारी मित्रता होती है वो इतिहास बन के रह जाती है। नए लोगों से हम मिलते हैं, पुराने लोगों को भूल जाते हैं। इसी बीच यह जो मैट्रिक का परीक्षा होता है, 10वीं का जो एग्ज़ाम होता है, वो एक ऐसा पड़ाव होता है जो हमारे लिए सबसे पहली सीढ़ी घोषित की जाती है, यानी कि जहाँ से हम अपने भविष्य का उड़ान देख सकते हैं, चीज़ों को जाने समझने की परखने की अंदर से जो शक्ति होती है उसमें इजाफा होता है। आगे आपने क्या प्लान करा है, क्या पढ़ना चाहते हो, भविष्य में क्या बनना चाहते हो? इंजीनियरिंग करना चाहते हो? आपको नहीं लगता है कि कई एक महीने में आज आपका स्कूल का लास्ट दिन है, कितने सारे दोस्त एक साथ रह पाओगे, कितनों को छोड़ के जाना होगा आपको? तो आप बताओ अंदर की फीलिंग्स कैसी कैसी भावनाएं आ रही हैं आपको, कैसा लग रहा है अंदर से? भावनाओं खुशी तो हो रही है इस बात की, ये बहुत खुश है। आप रो रहे हो, हंस रहे हो? ये बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये क्लास का सबसे बदमाश बच्चा रहा होगा, है ना? ये क्लास के जो सबसे बदमाश बच्चे होते हैं वो ऐसे भी होते हैं, पंखे वंखे तोड़ के निकल जाते हैं। ऐसा कुछ किया आप लोगों ने आज? नहीं, ये अच्छे बच्चे हैं। इसका मतलब मैं अच्छे बच्चों से मिल रही हूँ, बहुत खुशी की बात है। फिर आप बताओ, आप लोगों में से कोई एक जो बताना चाहे कि आगे के लिए आपने क्या क्या सोच रखा है, जोर से बोलो। ये लो भाई, जोर से बोलो, कोई बात नहीं, हम यहाँ जज नहीं कर रहे हैं, आप बोल सकते हो। कुछ आ रहा है अंदर से बोलने में? ये बताओ आप कि आपको कैसा लगा, कैसा रहा ये अभी शुरुआत से लेके 10वीं तक का आपका जो ये तो शुरुआत से लेके स्टार्टिंग से हमने यहाँ पे एलकेजी से पढ़ रहे हो, एलकेजी से पढ़ते पढ़ते आज हम यहाँ पे 10th तक पास आउट करने वाले, तो ये इतने टाइप से जो हमारे ये जो कलीग्स थे, हमारे जो फ्रेंड्स थे, बहुत टाइम से हमारे साथ रहे, तो इनके साथ एक अलग ही बॉन्ड बन गया। दुख हो रहा है? तो अभी जैसे हम 10th के बाद निकलेंगे तो एक तो दुख तो बहुत बड़ी वाली होती है कि ये इतने सालों से जो हम एक साथ है वो अलग अलग हो जाएंगे, अलग स्ट्रीम्स चूज करने पड़ेंगे। और ये तो एक नॉर्मल होता है कि हर किसी को कभी ना कभी मूव ऑन करना ही पड़ता है। जी हाँ, ये वही बच्चे हैं जो शुरू के पड़ाव से लेकर 10वीं तक पढ़ाई करते हैं, इस बीच में ना जाने कितने क्लासेस को बंक करते हैं। कई सारी यादें होती हैं, कई सारी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कई सारी बुरी चीज़ें भी होती हैं, और हो भी क्यों ना, स्टूडेंट लाइफ का ये बहुत बड़ा एक पैमाना होता है। तो आज मैं इन सारे बच्चों के साथ हूँ और कई बच्चों को मैं देख सकती हूँ कि बहुत भावुक भी हैं, और कई बच्चे तो बिल्कुल खुश है कि चलो भाई इस स्कूल लाइफ से मुझे निजात मिलने वाली है। तो कई तरह के वैराइटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन घुमा फिरा की चीज़ें यही होती है कि इस पड़ाव पर आने के बाद अभी भी कई सारे ऐसे बच्चे जिनको इस चीज़ की समझ तक भी नहीं है कि भविष्य हमारा कैसा होने वाला है, हम किस तरफ जा रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, अपने लिए क्या निर्धारण कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? मनीष श्रीवास्तव। आज ये बच्चे 10th का बोर्ड्स दे के आए हैं और आज इन लोगों का लास्ट पेपर था। आप इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं जी। इन लोगों से बातें करके बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। अब मैं थोड़ी चीज़ें आपसे जानना चाहती हूँ कि इन बच्चों को पढ़ाया आपने, बचपन से लेके यहाँ तक लाया, आपकी क्या ख्वाहिशें हैं, बच्चे किस तरीके से अपने अपने फील्ड में अच्छा करें, अच्छा नाम रोशन करें, इसके लिए आपकी क्या ऐसी टिप्पणियाँ होंगी जो बच्चों को आप सुनाना चाहेंगे, या फिर वैसे कौन से ऐसे टिप्स होंगे जो आप बच्चों को देना चाहते हैं कि भविष्य इनका बेहतर हो सके? सभी शिक्षक का यही एक मन का होता है कि बच्चे जो हैं आगे चल करके सफल हों, कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, सब अपने पद पे अच्छे अच्छे एक अच्छे इंसान भी बने, और
मैं यही एक टिप्स देना चाहूँगा कि कहीं भी रहें और किसी भी जगह रहें, किसी पद पे रहें, अपना जो भी है सफलता इनके हर कदम चुमे, यही कामना करता हूँ मैं। आप देख सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे एजुकेशन पीरियड में होते हैं, कभी कभी टीचर के मार के बाद टीचर को पीछे में गालियाँ भी बकते हैं, कई सारी ऐसी बातें भी करते हैं, लेकिन शायद ये हम सभी भूल जाते हैं कि द्रोणाचार्य अगर नहीं होते तो एकलव्य आज एकलव्य नहीं होता। शायद हम अर्जुन की कहानियों को सुनते रह जाते और अर्जुन को ही देख पढ़कर आगे बढ़ते, एकलव्य की कहानी ना हम सुन पाते और उसकी गुरु दक्षिणा के बारे में हम नहीं जान पाते। कह सकते हैं चेला जब जग में नाम करता है और गुरु का सम्मान करता है तो गुरु का जो हीरा होता है वो हरक जाता है, यानी खुशी से भर जाता है। तो हर एक गुरु की ख्वाहिश होती है कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे अपने बच्चे की तरह होते हैं, जब वो बड़े हों, जब वो किसी फील्ड को चुने तो बेहतर से बेहतर करें। और यही शुभकामनाएं सर के लिए है, अपने बच्चों के लिए। सर बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, बहुत बहुत एक बार पुनः आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।